इशू किया है सभी मंदिरों को लेके कि उसमें किसी भी तरह की मास ड्रिल या कोई भी एक्टिविटी आरएसएस द्वारा नहीं कराई जाएगी। उन्होंने इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया कि मंदिरों में सब लोग आस्था के लिए आते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। और 90% हिंदू केरल में रहने वाले वो आरएसएस के खिलाफ हैं। देखिए, मुझे लगता है जो इस देश का हिंदू समाज है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति को समझ चुका है। अब वो विकास की बात करना चाहता है, वो जानता है ये समाज और देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है इस तरीके के हिंदू समाज में आरएसएस को एक तरीके से बायकॉट करने वाले जो फैसले हैं ये आने वाले समय में और भी आते जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है ना सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश के 90% जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं, वो देश को जोड़ने वाली विचारधारा के साथ हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को सामने मिल रही हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, संघ के लोगों का विरोध हो रहा है। और मुझे लगता है ये शायद पहली घटना है जो रिपोर्ट की गई हो बड़े बड़े स्तर पर, लेकिन इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं बहुत होती रहती है और आगे ऐसी भी बहुत घटनाएं।